में जन समस्याओं की मैदानी जानकारी लेकर उनके निराकरण के लिए शुरू किए गए सीएम रमन सिंह के लोक स्वराज अभियान का शनिवार को समापन हो गया। अभियान के आखिरी दिन सीएम अपने गृह जिले राजनगांव के ग्राम रवैली पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों की शिकायतें सुनी और उनका निराकरण कराया और करोड़ों रुपए की सौगातें भी दी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ राजनगांव सांसद अभिषेक सिंह, विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक, डूंगरगढ़ विधायक सरोजनी बंजारे, राजनगांव के सभी जनप्रतिनिधियों सहित हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री के लोक स्वराज पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लोक स्वराज का आखिरी दिन राजनगांव का रहा। इस मौके पर राजनगांव के लोगों को अपने लोक लाडले नेता से मिलने का मौका मिला। अपने दौरे में सीएम राम सेली पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर के दाऊ मंदरा स्मृति कार्यक्रम में शिरकत की और ग्रामीणों को करोड़ों की सौगात भी दी। इसके बाद वो राजन गांव पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निगम क्षेत्र में 237 करोड़ 50 लाख रुपए के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण व 1914 करोड़ 50 लाख रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। सीएम ने जिले के लोगों को 237 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बने म्यूनिसिपल स्कूल ग्राउंड में बनाए गए गांधी सभागृह, कमला कॉलेज के ऑडिटोरियम, अमृत मिशन अंतर्गत श्रीराम कॉलोनी में पार्क और NH 6 में 54 करोड़ रुपए की लागत से बनी फ्लाई ओवर का लोकार्पण किया। सीएम ने 1 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से तैयार किए गए 100 बिस्तर के मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य अस्पताल का भी लोकार्पण किया। इसके साथ ही सीएम रमन सिंह ने 3914 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से नव निर्मित अमृत मिशन के तहत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण की आधारशिला भी रखी। इसी क्रम में उन्होंने TMF योजना अंतर्गत एकेडमिक परिसर निर्माण, बाटू में डामीकरण और सीमेंटीकरण, नाला नाली निर्माण एवं सौंदर्यकरण कार्य का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में सीएम ने लोक स्वराज में आए आवेदनों पर लोगों की समस्या सुनकर उनका निराकरण भी किया। इस मौके पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि लोक स्वराज करने से छत्तीसगढ़ की जनता की समस्या की जानकारी होती है और इन समस्याओं का समाधान कर जनता को खुश रखना ही उनका लक्ष्य है। इस दौरान सीएम ने लोक स्वराज अभियान के अनुभव भी साझा किए और बताया कि कैसे सरगुजा में एक बुजुर्ग महिला ने उनसे और सुजला योजना के तहत सोलर पंप मिलने की खुशी जाहिर की है। सीएम ने ये भी कहा कि कोई घरेलू महिला ये कह दे मैं अब टेंशन मुक्त हूँ तो मुझे इससे अच्छा और इससे बड़ा लोक स्वराज क्या चाहिए। इस दौरान सांसद अभिषेक सिंह ने भी लोगों को संबोधित किया और क्षेत्र की मांगे सीएम के सामने रखी। पीएससी के लिए आज कोचिंग के लिए छात्रों के लिए 100 छात्रों के लिए आज शुरुआत DMF की राशि से किया गया। PMT के लिए कोचिंग की व्यवस्था भी हो रही है। नगर को और अच्छा करने की दृष्टि से सारे विकास काम चल रहे। लोक स्वराज अभियान के लक्ष्य समाधान शिविर के समापन समारोह में मुख्यमंत्री ने सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभ लेने वाले ग्रामीणों और ग्रामीणों को शत प्रतिशत लाभ दिलाने वाले सरपंचों अपने हाथों से सम्मानित किया। कार्यक्रम में सम्मानित हुए लोगों ने मुख्यमंत्री का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हुए कहा कि वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये हमारे ग्राम पंचायत सलोनी में सौभाग्य सहज बिजली योजना, हर घर योजना के तहत प्रत्येक घरों में बिजली पहुंच चुका है। इसके लिए हमें सम्मानित किया है। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। हमारे समस्त ग्रामवासियों भी धन्यवाद दे रहे हैं। बिजली के प्रकाश नहीं रही से तो वो मन है, जब प्रधानमंत्री जी के सौभाग्य योजना निकली तो मोला बोली कि मैडम हमारे घर में भी नहीं लगे, मैडम हमारे घर में भी नहीं लगे करके मैं गांव में मुनियादी करा और मुनियादी करा के सबसे फार्म ले आओ, फार्म जमा करवाओ कि भाई आप फार्म भरो, उखर बाद आपके घर में शासन की योजना के तहत फ्री में आपके घर बिजली लग जाएगी। ओ मन वैसी करीन तो मोर गांव में 87 घर में बिजली लगी से बहुत सौभाग्य के बात है और प्रधानमंत्री ला भी धन्यवाद है। तो आपने देखा कि लोक स्वराज अभियान किस तरह से छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए वरदान साबित हुआ। इस दौरान न केवल लोगों की समस्याओं, जनहित की सामुदायिक मांगे गांव में ही पूरी हो गई बल्कि करोड़ों के विकास कार्य की सौगात भी मिल गई। दूसरे शब्दों में ये कहें कि लोक स्वराज ने लोकतंत्र, आपकी सरकार,
आपके द्वार के मंच को साकार किया तो ये अतिशक्ति ना होगी। राजन गांव से स्वराज संवाददाता शशि देवांगन की रिपोर्ट। गुलशन में इतना ही, कुछ और खबरों के लिए